हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा, आज हम अपना साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज बोन्स एंड मसल्स. तो देखो, बोन्स एंड मसल्स पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे तुम्हें हम पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी. ये सारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं. आईज, नोज, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है. ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन अगर मिलेंगे साथ में तो ये क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम. अब ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं. ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक आता है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम. देखो, तुमने कभी बेटा, तुम आपका अपने घरों में कभी आपने देखा होगा कि जब किसी भी देखना होता है कि बोन में ब्रेकेज आई है या फ्रैक्चर हुआ है या मतलब कि मसल्स में कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम बेसिकली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका एक्सरे करा लो. तो तुमने कभी एक्सरे देखा होगा, वो क्या होता है, एक ब्लैक कलर के पेपर होता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जिस चीज़ का हमने एक्सरे किया होता है ना, वो बोन्स बनी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने रिप केस का कराया है तो आपने देखा होगा कि ऐसे एक ब्लैक कलर की शीट होगी और इसके अंदर ऐसे आपके रिप केस दिखाई देंगे, यहाँ से ऐसे ये बोन्स होते हैं बेटा, ये दिखाई देती हैं फिर ऐसे ये बीच में, ठीक है. एक्सरे जरूर आपके घर में पड़ा ही होगा, एक आप देखना, उसके अंदर सारी बोन्स के बारे में दिखाते हैं. तो मैं बता रही थी आपको कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है. स्केलेटल सिस्टम बेटा हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. जैसे देखो, अगर मेरे पास एक काइट है, ठीक है, काइट तो आपने ज़रूर ही देखी होगी, कैसी होती है वो, ये देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ये दो, अरे ये गलत हो गया, ऐसे दो स्टिक्स लगी होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है. और बाकी सारा कुछ क्या होता है, ये पेपर होता है और इसको किससे बांधा होता है, थ्रेड से बांधा होता है. तो बात कहने का मतलब क्या है कि ये एक अम्ब्रे काइट को, जो ये अगर ये स्टिक्स ना हो, ठीक है, तो क्या ये पेपर फ्लाई कर सकेगा, नहीं कर सकेगा ना बेटा. तो ये जो स्टिक होती है, जो ये काइट की स्ट्रिक्स है, ये क्या प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब उसको शेप देती है, उसको ताकत देती है ताकि वो उड़ सके, ठीक है बेटा. तो ये स्टिक क्या, उसको शेप भी देती है और उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है. वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ देती है, शेप देती है, ठीक है बेटा. तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, बोन्स होती हैं इसके अंदर, तो हमारी बॉडी को वो करते हैं स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है, जैसे भी काइट की स्टिक्स प्रोवाइड करती है. जैसे एक सेम एग्जांपल हम एक और लेते हैं, अम्ब्रेला का, ठीक है. अम्ब्रेला आपने देखा होगा, ये देखो बेटा, ऐसा होता है ना अम्ब्रेला. अब इसमें देखो कि ये वाला तो इसमें क्लोथ होता है सारा, लेकिन ये जो मैंने बनाया है, ये सारी क्या होती है, इसके अंदर एक स्ट्रिक्स होते हैं, इसमें भी स्टिक लगी होती है, ठीक है. ये भी क्या करता है, एक अम्ब्रेला को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है. सिमिलरली हमारी बॉडी को जो शेप देता है, सपोर्ट देता है या प्रोटेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है. तो हम अपनी बुक में से रीड करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो बेटा, ओपन योर बुक्स, कोर्स बुक्स ओपन करनी है, डेट इज पेज नंबर 28. सी हेयर एक्सरे इज देयर, ये देखो बेटा एक्सरे बना हुआ है. तो आपने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी ब्लैक ब्लैक फिल्म होती है, पेपर होता है और उसके ऊपर ये एक्सरे बना होता है, ठीक है बेटा. अब देखो, स्केलेटल सिस्टम क्या है, अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स विच गिव्स अस बॉडी अ प्रॉपर शेप एंड स्ट्रेंथ, सपोर्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी.
इज कॉल्ड एज स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप देता है, और हमारे जो बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स, सॉफ्ट जैसे ब्रेन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ट है, ये सारे क्या है कि सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, चलो ये बाद में देखेंगे, जैसे रिब केज होता है ये बाद में देखते हैं। चलो आपको एक बता दूँ कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ताकि आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए आपको। कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, फर्स्ट हार्ट, सेकेंड लंग्स, किडनी। वैसे तो ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है बेटा पहले, ब्रेन, आईज, नोज, ये सारे के सारे बेटा ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और देखो कौन से होंगे, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन सबको शेप देता है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है क्या बेटा, हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है, नेक्स्ट हमारा लेट्स फाइंड आउट है, उसके अंदर हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ना है बेटा। स्केलेटन क्या होता है, द फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। जो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है, ये देखो बेटा बुक में बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर मसल्स आते हैं। स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, ऐसा ही हमारी सारी के सबकी बॉडी में ये फ्रेमवर्क होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, स्केलेटन, फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं, जो फ्रेम हमने तैयार कर दिया है, ठीक है बेटा। आगे देखो, आप एक चीज है जो आपको बताते हैं, देखो न्यू बॉर्न हैव अबाउट 305 बोन्स बट एडल्ट्स हैज 206 बोन्स। क्या बोल रहे हैं कि जो अगर जो छोटा बच्चा है, जो अभी जिसने बर्थ लिया है, छोटा सा है वो, उसके पास कितनी होती है, 305 बोन्स होती हैं। और जो एक एडल्ट होता है, जो बड़ा हो जाता है, उसके पास कितनी होती है, 206। ऐसा क्यों है कि छोटे बच्चों के पास जो छोटे बच्चों के पास है जो वो बोन्स ज़्यादा होती हैं, और जो बड़े बच्चे हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनके पास थोड़ा कम कैसी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं उनकी जो बोन्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है बेटा। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो एक ही बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, तो अगर मैं देखें, अगर इसको लिखें तो बेबी के पास कितनी बोन्स होती हैं, 305 बोन्स, और एक एडल्ट के पास 206, ठीक है बेटा। आगे देखो, इन्होंने लिखा भी हुआ है आपके पास रीजन, एज वी ग्रो सम ऑफ द बोन्स ज्वाइन टुगेदर एंड द नंबर ऑफ बोन्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ बोन्स क्या होते हैं, इकट्ठे होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो डिक्रीज नंबर ऑफ उसका डिक्रीज होता जाता है, ठीक है बेटा। नाउ पेज नंबर 30 पे देखो बेटा, अब देखो इन बोन्स के बीच में क्या होता है, बोन्स के इनसाइड क्या होता है। जैसे मान लो कि एक ये हमारी बोन है, आप एक ये बोन है, अब बोन तो मैंने आपको बताया ही नहीं, जो ये स्केलेटल सिस्टम है ना, जो आपको दिखाया था अभी, ये रिब केज हो गया, ये देखो इसी में ये सारा बोन से मिलकर बना है। जैसे ये स्कल बोन होगी, ये रिब केज हो गया, ये हैंड्स की आगे एक की यहाँ से लेके यहाँ तक की बोन होती है, कि यहाँ पे और आगे इसमें बोन्स होती हैं, ठीक है। अब देखो इस फिंगर में कितनी बोन्स है, 3 बोन्स है ना, कैसे देखो, 1 बोन ये, सेकेंड ये, और थर्ड ये, ठीक है बेटा। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और यहाँ पे एक बोन है, एक इसमें बोन है, एक इसमें बोन है, तो इन बोन की वजह से ही मैं इसको मूव करा पाती हूँ, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अब इन्होंने हमने पढ़ना है कि इस बोन के अंदर क्या होता है, ठीक है बेटा। व्हाट इज इनसाइड द बोन, इनसाइड द बोन, बोन के अंदर होता है बोन मैरो, ठीक है बेटा। पढ़ते हैं क्या होता है ये, From outside bones are smooth, hard, however they are smooth and spongy from inside. अगर bones को हम बाहर से देखते हैं
तो वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है। अगर मैं उनको अंदर से देखें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं वो और स्पॉन्जी होती हैं, ठीक है। द इनर इनर पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड बोन मैरो। इसके अंदर क्या होता है, बोन के जो इनर पोर्शन होता है उसे बोन मैरो बोलते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड। ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं ना जिससे हमारा ब्लड बनता है, ठीक है। वो कहाँ बनता है, देखो ये अगर ये एक बोन है, बाहर के साइड से बोन है, तो इसके बीच में ये जो एरिया होता है वो क्या होता है, बोन मैरो। ये देखो बेटा, एक बोन बना रही हूँ पहले, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये क्या है, ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पे सारे हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स बनते हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब यह क्या बताना है आपको कि जो ये आउटसाइड होता है, जो ये बाहर का पार्ट होता है ना, इसे बोन बोलते हैं। और ये क्या होता है, हार्ड होता है। और इनसाइड को क्या बोलते हैं बेटा, जो इसके अंदर होता है वो बोन मैरो होता है। और ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते हैं, बॉडी के सारे ब्लड सेल्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है बेटा। इतना समझ आ गया, तो हमने अभी तक तीन टॉपिक्स पढ़ लिए, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन एंड बोन मैरो, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, लेट्स ट्राई वन आता है, एक कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्टिलेज। तो क्या कहते हैं, बोन्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मटेरियल कॉल्ड एज कार्टिलेज। अब दो बोन्स आपस में जुड़ी कैसी हुई हैं, दो बोन्स को जोड़ने, जैसे देखो ये एक बोन होगी, दूसरी बोन देखो यहाँ से दूसरी बोन जुड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ बेटा, तो इसके बीच में जिस चीज से ये जुड़ा हुआ है उसे कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, इट इज बोन्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मटेरियल। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और इलास्टिक मतलब जो इजीली, जैसे कि हम जिसको फिक्स कर सकें, ठीक है, और स्ट्रेच करना चाहे तो वो भी हो जाए, उसे कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर लेट्स ट्राई वन है ट्रू फॉल्स, ये आप करके देखना, आपसे हो जाएंगे, ईजी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, वट इज कार्टिलेज, फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट में व्हाट इज कार्टिलेज। ये देखो बेटा, इसमें आपको वैसे ही दिखाया है जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है कि इन दोनों, दो बोन्स हैं, इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए जो चीज, जैसे कि मैंने दो दो जैसे हमारे पास वुडन वर्क कराते हैं, तो दो बेटा वुड होती है ना, दो उसको जोड़ने के लिए एक फेविकोल का यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, उसका जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रोंग बनता है, और उस वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, जहाँ उसको डालना चाहे वैसे डल जाता है ना, वैसे कार्टिलेज होता है जो कि दो बोन्स को आपस में फिक्स करके रखता है, ठीक है बेटा। ये आपको डायग्राम बनवा के दे रखे हैं, इसी बार लेट्स ट्राई टू है क्वेश्चन आंसर्स, ये भी हो जाएंगे आपसे, आप करके देखना। नेक्स्ट देखो, देखो विच बॉडी, आप इजिली हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू भी कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, लेट्स फाइंड आउट में हमने अब देखना है व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम। देखो इन्होंने अब ये लिखा हुआ है, द डिफरेंट पार्ट्स इन द स्केलेटन सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू मेक आवर बॉडी मूव, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। कि सारे के सारे स्केलेटन के पार्ट्स जो मिलकर इकट्ठे होकर एक काम करते हैं उसे स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अब तो आगे बढ़ेंगे हम, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्केलेटन के पार्ट्स मिलकर जब मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसे स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटन के हम पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट्स मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको अब ये याद रखना है कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, कि बहुत सारे वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन ज्वाइन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है बेटा। अब देखो फर्स्ट आता है स्कल, फर्स्ट इज स्कल। स्कल की पिक्चर देखो बेटा, जो हमारा हेड पार्ट होता है, ब्रेन जिसके अंदर आता है, आईज आती है, नोज आता है, ये हमारे टीथ आते हैं और ईयर्स आते हैं, ये सारा का सारा जो अपर पार्ट होता है वो होता है स्कल, ठीक है बेटा। क्या होता है स्कल,
इसे बोलते हैं स्कल। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर बोन। स्कल क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो ब्रेन है वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बेटा। और उसके बाद देखो, देयर आर 22 बोन्स इन स्कल। स्कल के अंदर कितनी बोन्स होते हैं? 22। ऑल द बोन्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द लोअर जार बोन। सारे के सारे हमारे स्कल के जो बोन होते हैं ना बेटा, वो फिक्स्ड होते हैं, पर जो लोअर जार है, ये जो नीचे वाला, ये दो जार्स होते हैं, अपर जार एंड लोअर जार। ये देखो, पहले क्या है कि किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं, प्रोटेक्ट्स ब्रेन। याद रखना बेटा ये जो मैं करवा रही हूँ। और इसके बाद क्या होता है? 22 बोन्स से बना होता है। अब जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जैसे ये टीथ है, ठीक है, एक नीचे वाला पार्ट हो गया टीथ का, तो इसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर जॉ, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर जॉ। ठीक है बेटा। तो क्या बोलते हैं, स्कल के सारे बोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, पर लोअर जार की बोन फिक्स्ड नहीं होती। द मूवमेंट ऑफ लोअर जार ब्रेक अस हेल्प अस ईट एंड स्पीक। तो जो हमारे जो लोअर जार होता है वो किसके लिए काम आता है? बोलने के लिए और खाने के लिए। ठीक है बेटा, ये तो हमें पता ही है। द फिक्स्ड बोन इन द स्कल प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जो हमारे फिक्स्ड पार्ट होते हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे स्कल को, हमारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को। स्कल बोन्स आर जस्ट अंडर द स्किन ऑफ द हेड। जो स्कल होता है वो हमारी जो ये स्किन है उसके जस्ट नीचे वाला सारा पार्ट होता है। ये स्किन के जो नीचे वाला पार्ट है वो सारा का सारा स्कल है। ठीक है बेटा। अब इस स्कल के अंदर क्या क्या चीजें आती है? आईज, नोज, नोस्टिल्स, माउथ, ईयर्स और ब्रेन। ठीक है बेटा, ये हमारे सारा स्कल के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है रिब केस। एक बार फिर देखते हैं, इसमें और कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आईज, आपको पहले भी बताया मैंने, ईयर्स, नोज, नोस्टिल्स, और क्या बताया था अभी, माउथ, टीथ और ये ब्रेन। ठीक है बेटा, 22 बोन्स होती हैं, सारी की सारी आपस में जुड़ी होती है, बस एक लोअर जार के फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं रिबकेज। रिबकेज कौन सा होता है? जो हमारे यहाँ पे लंग्स के पास रिबकेज बना होता है ना बेटा, वो ये देखो, ये बना हुआ। ठीक है, पिक्चर में आपको एकदम साफ दिख रहा है। तो हमने कहा, ये देखो, ये पेज नंबर 32 पे हूँ मैं, अपनी बुक में पढ़ो बेटा। द केस ऑफ द बोन्स अराउंड द चेस्ट इज कॉल्ड रिब केस। जो हमारे यहाँ पे चेस्ट होती है उसके पास जो केस बना है, केस मतलब पिंजरा टाइप होता है ये, तो वो केस बना उसे रिब केस बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन राइट लाइक हार्ट एंड लंग्स। ये किस किस को प्रोटेक्ट करता है? हार्ट और लंग्स को। आपको पहले भी बताया, वो बताया है ये, लंग्स और हार्ट हमारे ऑर्गन्स होते हैं। सेकंड आते हैं रिब केज। ये किस किस को प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। इट इज मेड अप ऑफ 12 pairs of thin curved bones which are attached to the bones backbone, also called as vertebral column. ये देखो बेटा, जो आपको बता रहे हैं, ये सारा का सारा केस बना हुआ ना, पिंजरा बना हुआ है, इसके अंदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक और 12। इसके अंदर क्या होता है? 12 होती है थिन कर्व्ड। कर्व्ड मतलब घूमी हुई, ठीक है, पतली पतली घूमी हुई बोन से बना हुआ है ये। और इसके अंदर क्या होता है?
अटैच किससे होता है, ये बैकबोन से, हमारी बैकबोन से अटैच होता है। ये देखो दिखा रखा है पिछली साइड से, ये बैकबोन है, ठीक है। एट द एड बैक, बैक से तो ऐसे होता है, एंड टू द फ्लैट बोन एट द फ्रंट कॉल्ड स्टेप वन। हाउएवर लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब केज आर नॉट अटैच। क्या बोलते हैं कि पिछले पार्ट जो जिसे ये जो रिब केज है, एक बार यहाँ पर बना के देखते हैं थोड़ा सा, मतलब डायग्राम सेम तो नहीं बनेगा, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, कि ये जैसे हमारे पास केज है तो पिछले साइड से किसका अटैच है, बैकबोन के साथ, पिछली साइड से बेटा बैक से ये बैकबोन के साथ अटैच है, और फ्रंट साइड से ये ब्रेस्ट बोन से अटैच होता है, और नीचे की जो दो बोन्स होती हैं वो अटैच नहीं होता, ये टू साइड से अटैच होता है, ठीक है बेटा। इसे स्ट्रवम भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, जो कि जो दो बोन्स अटैच नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन्स। फ्लोटिंग बोन्स मतलब रिब्स, क्या बोल मतलब कि वो ऐसे फ्लोट कर रही होती हैं, वो अटैच नहीं होती, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा देखो, रिब केस किसको, हार्ट और लंग्स को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 12 थिन कर्व्ड लाइंस होती हैं, और रिब केस क्या होता है, एक केस की तरह बना होता है, और रिब्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये फ्रंट से किसके साथ जुड़ा होता है, ब्रेस्ट बोन के साथ, और बैक से बैक बोन के साथ, और जो दो बोन्स नहीं जुड़ी होती उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। दो हमने पढ़ लिए, स्कल और रिब केज। अब उसके बाद हमारा आता है बैक बोन, बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, और उसे स्पाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइन। नेक्स्ट देखो, अ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल बोन्स फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी पिछले बैकबोन होती है वो कितने बोन से मिलकर बनी है, 33 बोन से मिलकर बनी है, और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिब्रेट, ठीक है। दिस इज वाई बैकबोन इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए हम बैकबोन को वर्टिब्रेट कॉलम भी बोलते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम। नेक्स्ट देखो बेटा, और स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग कॉलम एक्सटेंडेड टू द नेक टू द टेल। नेक से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ तक जाती है ये बोन, ये लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है बेटा। आगे देखो, द वर्टिब्रेट आर होलो इन द सेंटर एंड स्पाइनल कॉर्ड पासिस फ्रॉम द ब्रेन टू दिस। ये क्या होता है, होलो होती है मतलब खाली होती है, और इसमें से एक स्पाइनल कॉर्ड जाती है। नेक्स्ट देखो, सपोर्ट्स द हेड, द वर्टिब्रेट कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब पॉइंट्स एंड बैक। बेटा दोबारा देखो, यहाँ पे देखते हैं हम, ये भाई ये इरेज कर देते हैं, इसके पास कितनी है, 12 थिन बोन्स है। अब यहां पे देखो, अब हमने क्या पढ़ना है बताओ, बैकबोन, बैकबोन को ही स्पाइन भी बोलते हैं, स्पाइन, ठीक है बेटा। ये पिछले पार्ट से स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होती है, हेड से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, टेल तक जाती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्ग होती है काफ़ी ज़्यादा बोन। अब देखो इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, और ये प्रोटेक्ट किसको करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बेटा, हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है, जो सारे के सारे मैसेज को भी आगे कन्वे करती है, ब्रेन से स्टार्ट होती है और वो टेल तक जाती है, ठीक है बेटा। अब क्या है, एक चीज और देखो, इसे हम वर्टिब्रेट कॉलम भी बोलते हैं, आपको याद रखना था कि ये आए पेपर में, तो याद रख, वर्टिब्रेट कॉलम भी बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम भी, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये देखो, आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ,
इधर बनाते हैं, अगर ये एक ब्रेन है, ठीक है, तो यहां से बोन निकल रही है, ब्रेन के साथ ये आ रही है स्पाइनल कॉर्ड जो कि टेल तक जा रही है, ठीक है बेटा। और इसके पास ये जो बोन्स हैं 33 पतली पतली सी, ये बैक बोन है। ये पिक्चर आपको इसमें अच्छे से ड्रॉ कर रखी है, मैं थोड़ा सा सही नहीं बन रही, ये देखो बेटा, ये जो बोन्स हैं ये स्पाइनल बोन, ये वाला क्या है, ये ब्रेन, ये बीच में से ये जो जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो साथ में है ये क्या है, बैक बोन्स, जिसको हमने इसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है बेटा। और क्या इस, बस यही है इसमें कि ये बोन्स इसका अटैच है। नेक्स्ट लेट्स ट्राई फोर है।